वालेकुम। आज हम बना रहे हैं प्याज करेले। तो उसके लिए हमें जो चाहिए ये आधा किलो करेले हैं, 1 kg थे। इनमें से छिलके वगैरह उतार के सारे, तो ये रह गया 1/2 kg। ठीक है, तो इसको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। इसको हमने नमक लगा के थोड़ी देर रखना है, उसके बाद इसको वॉश करके अच्छी तरह से इसका नमक, तो इसको स्टेन कर लेना है। ठीक है, इसके पानी को सारा अच्छी तरीके से। फिर हमने लहसुन अदरक लेना है, टमाटो पेस्ट लेनी है, फिर हमने टमाटो पेस्ट लेनी है, ये 3 टमाटरों की पेस्ट है। ठीक है, ऑयल, प्याज, ये प्याज 2 हैं। ठीक है, इसके अलावा भी प्याज, ये वाला पड़ा हुआ है, ये एक प्याज जो है मसाले में इस्तेमाल होगा और एक हम दम पे डालेंगे। ठीक है, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। ठीक है, इसमें हमने जो नमक, ठीक है, 1 teaspoon सूखा धनिया, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा और 1/2 teaspoon हल्दी। ठीक है, और ये दूध है। ठीक है, वो आप मेरी वीडियो देखें तो फिर आपको पता चलेगा मैं दूध कहाँ इस्तेमाल करूँगी। ये आधी प्याली दूध है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम डाल रहे हैं करेलों को फ्राई करने के लिए। करेलों को इसलिए फ्राई किया जाता है ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो अंदर से ख़त्म हो जाती है, उससे जो है ये ज़रा थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। आधी प्याली तक हमें ऑयल चाहिए होगा। थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें करेले डाल देंगे। करेलों को अच्छे से फ्राई करेंगे जिसमें ये गोल्डन ब्राउन हो गए। याद रखिए, ब्लैक नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना। चलें देखें, करेलों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ग्रीन से गोल्डन कलर तक जो है वो आना शुरू हो गए हैं। बस थोड़ा सा लाइट गोल्डन और कलर हो जाएगा इनका तो हम इनको निकाल लेंगे सेपरेट प्लेट। चलें ये देखें, हमारे करेले जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम बाहर जो है ना निकाल लेंगे एक प्लेट से। ठीक है, देख लीजिए हमारे फ्राई होके करेलों की शक्ल। ठीक है, ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर देंगे। अब हम चलें जी, अब हमने जो कढ़ाई में ऑयल था उसको वेस्ट नहीं करना। उसी ऑयल के अंदर हम अपने जो 2 प्याज कटे हुए थे मसाले के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। इनको अच्छी तरह हम सौते करेंगे, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे इनको। चलें जी, ये हमारा प्याज सौते हो रहे हैं। अब इस पोजिशन में प्याज को देख लें क्या रंगत है। इसी में हमने लहसुन अदरक डाल दें। चलेंगे अब हम अपने इस प्याज लहसुन अदरक वाले मसाले में हम टमाटो की प्यूरी डाल देंगे। ये 3 टमाटर थे, इनकी पेस्ट बना ली। साथ ही साथ हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे, नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया। इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चलिए जी, हमने सब मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हमने मसाले को अच्छी तरह भूनना है, इसका पानी ड्राई करना है टमाटो पेस्ट का। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढाम के रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स इसको हम चेक करेंगे। चलिए जी, अब हम अपना मसाला चेक करते हैं। ये देखें, पानी खुश्क होना शुरू हो गया, ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर। इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे, थोड़ी सा फ्लेम तेज कर लेंगे। देखें, इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से इसको भूनना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है।
चलिए ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया, अब इसमें हम करेले डाल देंगे। एक से दो मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह करेलों में मिक्स हो जाए। चलिए जी, अब इस पॉइंट पर आके हमने अच्छी तरह मसाला करेलों के साथ मिक्स कर दिया है। अब इस पॉइंट पर आके हम जो आपको मैंने बताया था दूध मैंने डालना है, अब मैं दूध डालूंगी इसके अंदर। इनके अंदर हमने पानी नहीं डालना, इनके अंदर हमने सिंपली दूध डालना है आधी प्याली। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, इसमें दूध अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि करेले अच्छी तरह से गल जाएं लो फ्लेम पे। चलिए जी, अब हम ये उठाने लगे ढक्कन। करेलों का पानी खुश्क हो गया, अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। थोड़ी सी आंच तेज कर देंगे। इसके अंदर अब हम ये जो हमारा बाकी का प्याज था, दो प्याज थे, ये हम अब डालेंगे। ठीक है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इनको दम पे रखेंगे। जी, अब ये डिश आउट होने के लिए तैयार है हमारे प्याज करेले, ये देखेंगे। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें जी, ये हमारे प्याज करेले रेडी हैं। अब आप इसको खाएं, बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिश कैसी लगी।